तो जैसा कि दोस्तों अगर आपको पता होगा, भूल भुलैया 3 आने वाली है, जिसके लिए कार्तिक आर्यन पूरी तरीके से तैयारी में जुट चुके हैं। और भूल भुलैया 3 की जो सबसे बड़ी बात है, इसमें पुरानी जो मंजुलिका है वो भी आने वाली है तब्बू के साथ। तो बहुत ही बड़ी बात है इस मूवी के लिए। बस अक्षय कुमार सर अगर इस मूवी में आ जाते तो इस मूवी में 4 चांद लग जाते। लेकिन इस मूवी में एक एक्ट्रेस आई है जो कि आजकल लोगों का जो नेशनल क्रश जिसे कहा जाता है, माना जाता है, एनिमल मूवी से जस्ट निकलकर तृप्ति ढिमरी आ चुकी है भूल भुलैया 3 में। जी हाँ दोस्तों, इसमें अभी देख रहे हो आप पोस्टर जिसमें कार्तिक आर्यन ने शेयर किया है, फर्स्ट शेड्यूल रैप हो चुका है भूल भुलैया 3 का, जिसमें आपको कार्तिक आर्यन दिख रहे हैं और साथ ही साथ तृप्ति ढिमरी, उनकी सिर्फ आंखें दिखा रहे हैं लेकिन हम आंखों से पहचान जाते हैं कि वो तृप्ति है। तो ये दोस्तों अपडेट निकल के आई है भूल भुलैया 3 से। आप कितने एक्साइटेड हो तृप्ति ढिमरी को इस मूवी में देखने के लिए? लेकिन दोस्तों जहां तक मेरा सोचना है, तृप्ति ढिमरी तो बहुत अच्छा है कि मूवी में एक एंगेजमेंट बना रखेगी ऑडियंस के लिए, उनकी जो सुंदरता को देखने के लिए बहुत से जो लड़के हैं जेंट्स लोग वगैरह देखेंगे। और बाकी तो कार्तिक आर्यन तो एंटरटेन करने वाले ही है गर्ल्स को, और मंजुलिका और तब्बू भी आ जाएंगे तो 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अक्षय कुमार सर भी अगर इस मूवी में कैमियो कर ले या एक्सटेंडेड कैमियो कर ले तो ये मूवी में 4 चांद लगने वाले, और ये मूवी 500-600 करोड़ से कम की कमाई नहीं करती दिखाई देगी। तो ऐसी और भी अपडेट अभी निकल के आने वाली भूल भुलैया 3 से लाएंगे आपके लिए। तो दोस्तों ये अपडेट आपको कितनी पसंद आई, वैसे आप सभी लोगों को पता तो होगा कि तृप्ति ढिमरी इस फिल्म की हीरोइन बनने वाली है, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया है। और भी कुछ नई अपडेट निकल के आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। टिल देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आया। तो मेरा नाम अभिषेक, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।